सेवा सेवा जौहार। मैं रचना कुंबरे गौड़वाना स्टूडेंट यूनियन जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। आज आप सभी सगजनों के स्नेह और आशीर्वाद से मैं फड़ा पहन को सेवा 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 जौहार करती हूँ और सेवा सेवा जौहार करती हूँ पेंजिया दाई सेवा जौहार करती हूँ पेंजिया दाई को, जो हमें जन्म से लेकर मरण तक अपनी प्रकृति गोद में रखे हुए हैं, और गौड़वाना दर्शन के संस्थापक संस्थापक तिरुमाय पुंसाय तिरुमाय सुनेर सिंह तर्राम जी को सेवा 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 जोहार करती हूँ। मातृशक्ति उषा किरण आत्राम जी को सेवा 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 जोहार करती हूँ। मैं समस्त गौड़वाना दर्शन के संस्थापक मंडल को भी सेवा 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 जोहार करती हूँ। मैं गौड़वाना स्टूडेंट यूनियन के सम्मल सिंह मरकाम दादा को और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी कमलेश कुंवर भैया जी को और मेरा हर कदम पर सहयोग करने वाली और मुझे हमेशा सपोर्ट करने वाली मातृशक्ति राष्ट्रीय महासचिव प्रेमलता सयाम दीदी को और वैशाली धुर्वे जी को सेवा सेवा जोहार करती हूँ। और जीएसयू परिवार के समस्त सदस्यों को भी मैं बहुत बहुत सेवा जोहार करती हूँ। मैं अपनी मातृशक्ति युवा शक्ति और पृथ्व शक्तियाँ को भी सेवा जोहार करती हूँ। जो सगाजन आज मुझे देख रहे हैं, जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा सेवा 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 जोहार है। मैं गौड़वाना दर्शन को बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने फेसबुक लाइव पेज में लाइव आने का मौका दिया, इसके लिए मैं उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कोयतूर समुदाय में मातृशक्ति के प्रभाव, शिक्षा में उनकी भूमिका और प्रकृति व्यवस्था पर अपनी बात रखने वाली हूँ। और अंत में अपनी एक कविता बोलूँगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भूभाग में ऐसा कोई भी जीव नहीं है, बिना माता के ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो निर्माण कर सकता है। भूभाग का प्रत्येक जीव माता के निर्माण से ही हुआ है, तो माता का क्या अस्तित्व है ये हम सभी जानते हैं। पर आज जो मैंने महसूस किया है और जो देखा है, तो मैंने पाया है कि कोयतूर समुदाय में कोयतूर समुदाय जो है शिक्षा से बहुत दूर है। खासकर हमारी जो माताएं बहनें हैं वो शिक्षा से कोसों दूर हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कोयतूर समुदाय में मातृसत्तात्मक व्यवस्था रहती है, लेकिन क्या है कि वर्तमान परिस्थितियों में अन्य व्यवस्थाओं के संपर्क में आने से जो हमारी मातृसत्तात्मक व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। तो हमें इस ओर सोचना होगा, हमें इस ओर ध्यान देना होगा। हमारी कोयतूर समुदाय में हैं मातृशक्तियाँ, हैं अच्छी भी हैं, पर हमें उन मातृशक्तियों पर ध्यान देना होगा जो शिक्षा से, क्योंकि शहरी एरिया की बात दूसरी है, पर जो गांव स्तर हमारे जो जनजातीय वर्ग है, कोयतूर वर्ग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा है, तो हमें उन मातृशक्तियों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है जिन पर हमारे परिवार का पूरा बल डिपेंड करता है, जिनसे हमारा परिवार चलता है, वो शिक्षा से दूर हैं। हमारी कुछ बहनें हैं जो अभी अभी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र की, केवल साक्षर होने के लिए। हमारी कुछ ही बहनें ऐसी होंगी, मातृशक्तियाँ कुछ ऐसी होंगी जो शिक्षा का उचित उपयोग करके अपने जीवन में शिक्षा का प्रयोग कर रही होंगी। और अधिकांशतः लोग तो शिक्षा सिर्फ गांव की बात बता रही हूँ, जो मैंने देखा है वही आपसे साझा करूँगी। और मैं भी सीख रही हूँ, गलतियाँ हों तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उनमें सुधार ज़रूर करूँगी। तो जो शिक्षा है, अधिकांशतः लोग क्या करते हैं कि दस्तावेज में अंगूठे की जगह हमें सिग्नेचर करना पड़े, इसलिए सिर्फ उनके लिए शिक्षा उतनी ही उनको आती है और उतना ही वो करते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनने किस चीज़ पर हस्ताक्षर किए, क्या था, इस बात पर उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि वो उतने साक्षर नहीं हो पाते हैं। तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमें, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन मैं इसमें कुछ बात जोड़ना चाहती हूँ, इसको अपडेट करना चाहती हूँ कि शिक्षा वह रास्ता है जिससे आप मानव का जन कल्याण कर सकते हो, आप मानव को समझ सकते हैं। शिक्षा से आप अपना व्यापार, अपनी नौकरी, रोजगार, सभी चीज़ पा ही सकते हैं। ये तो आप खुद का डेवलप कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप मानव का
भी विकास करते हो, मानव जन कल्याण में अपनी शिक्षा को लगा सकते हो, अपना यूज वहाँ कर सकते हो। तो शिक्षा वह हथियार है हमारे लिए। और दूसरी बात ये कि प्रकृति से आजकल आपने देखने में आया कि आपको तो पता ही होगा कि कोयतूर समुदाय प्रकृति पूजक रहा है, प्रकृति के साथ चलने वाला रहा है। तो हम देखने हैं कि प्रकृति जो है, हम प्रकृति को जो नष्ट, अभी वर्तमान में जिस समय बारिश होनी चाहिए थी उस समय बारिश नहीं हुई, और जिस समय बारिश को रुकना चाहिए था, दूसरा मौसम स्टार्ट होना था, तब बारिश स्टार्ट हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति का अनबैलेंस है। हमने नेचर को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त किया है, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएँ हैं जो प्रकृति हमें संकेत दे रही है कि हम उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हम प्रकृति को सजाने वाले हैं, हम प्रकृति को सजो के रखने वाले हैं। धरातल में ऐसा कोई नहीं है हमारे सिवा जो वनों की रक्षा कर सके। कोयतूर समुदाय ही वनों की रक्षा कर सकता है। आपने भी देखा होगा जिस क्षेत्र में कोयतूर समुदायों की संख्या ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में वन संसाधन ज़्यादा सुरक्षित बचे हुए हैं। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं कोयतूर समुदाय और वन संसाधन आपस में गहरा नाता रखते हैं। और हमें अपनी, और हम तो प्रकृति, हमारे जो भी त्यौहार तीज हैं वो प्रकृति के अनुसार ही हैं। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मैं आधुनिक रूप से और मातृशक्तियों को ये बोलूँगी कि उन्हें आगे आना चाहिए। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो मातृशक्तियाँ हैं उनके अंदर सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन हेजिटेशन बहुत है उनमें। वो क्यों नहीं आगे आते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता, वो क्यों डरते हैं। हम गलत बोलेंगे तो सुधार भी हमको ही करना पड़ेगा। मैं आपके सामने हूँ, मैं अगर कुछ बोलती हूँ या कुछ करती हूँ तो आप मुझे बताएंगे तो मैं सुधार करूँगी उस पर। ऐसे मैं सभी मातृशक्तियों से बोलना चाहूँगी कि आप आगे आइए, हमें मजबूत बनना है, क्योंकि हम मजबूत बनेंगे तभी आगे आने वाली पीढ़ी मजबूत बनेगी। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर सबसे पहला गुरु होता है तो वो एक मातृशक्ति होती है। स्कूल तो बाद में जाना स्टार्ट करते हैं इंसान, पहले तो उसकी गुरु माँ होती है। और मातृशक्ति ही कमज़ोर होगी तो आप क्या अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाओगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अपनी क्वालिटी को, अपने टैलेंट को निखारिए, क्योंकि टैलेंट सभी में होता है। और अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को सामने लेके आइए, आपके टैलेंट के कि यहाँ ज़रूरत है हमारे समाज को, हमारे कोयतूर समाज को। और सुशीला दाई जी ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली थी, मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, बहुत काफ़ी जागरूक महिला हैं। तो उनकी एक बात मुझे हमेशा याद आती है मातृशक्तियों की जब भी चर्चा होती है, कि लड़कियाँ पढ़ लिख कर जब नौकरी में आ जाती हैं तो वो अन्य समाज के लड़कों के साथ विवाह नयन करती हैं, जबकि ये बहुत गलत है। आप इस समूह के हो, आप जब एक काबिल बन गए हो तो आपने हर चीज़ कोयतूर समुदाय का यूज किया, और जब आप काबिल बन गए हो तो आपने अपने समूह को छोड़ दिया, अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ दिया, ये बहुत गलत है। और सुशीला दुर्वे जी जो हैं उन्होंने इस बात पे जो भी चीज़ें लिखी हैं वो बहुत ही मतलब सटीक और गहराई की बात लिखी है, जो हम मातृशक्तियों के लिए बहुत ही आदर्श हैं। और मैं युवा शक्तियों को और मातृशक्तियों को आह्वान करती हूँ, और युवा शक्ति से ये कहती हूँ, पितृ शक्तियों से ये कहती हूँ कि उन्हें मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए, उन्हें मातृशक्तियों का सम्मान करना चाहिए और सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए। क्योंकि आप, हमारा जो कल्चर रहा है, हमारा जो कोयतूर समुदाय है वो मातृसत्तात्मक रहा है। आप अगर हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो आप उसमें भी यही पाओगे कि जब हड़प्पा संस्कृति थी तब मातृसत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी। तो फिर जब मातृसत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी तो फिर आज क्या हो गया, आज ये कैसा दौर आ गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये बदलाव कहाँ से स्टार्ट हुआ। उस स्टार्टिंग तक पहुँचना है ताकि हम भी वहाँ से बदलाव की डिमांड कर सकें, हम भी वहाँ जाके बदलाव कर सकें। तो ये जो मातृसत्तात्मक व्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे पुरुष सत्तात्मक बनती जा रही है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया है, मुझे इन सब का जवाब अपने आप से और आप सभी से चाहिए कि ऐसा क्या है कि हम अपनी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे पता नहीं क्या अपडेट कर रहे हैं, उनमें क्या चीज़ें ऐसी कर रहे हैं कि हम उसका स्वरूप ही चेंज कर दे रहे हैं। हमारी वास्तविकता स्वरूप जो है वो कहीं दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों है,
इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है, हमारे जागरूक ना होने की है। तो मैं यही कहूँगी कि जो ये बदलाव आ रहा है उन्हें हमें रोकना होगा, क्योंकि अगर अभी हम नहीं रोकेंगे तो एक दिन हमारी जो सभ्यता है, कोहिनूर सभ्यता है, वो विलुप्त हो जाएगी। और हमें अपनी सभ्यता की एक एक चीज़ पे ध्यान दे के उन सभी चीज़ों को फिर से लाना होगा, पुनः जीवित करनी होगी सारी चीज़ों को, फिर से समाज में लोग हमारी सभ्यता को जान सकें, ऐसा हमें कुछ करना होगा। तो इस पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस बात पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज अगर हम एजुकेशन लेते हैं तो हम आने वाली जनरेशन को भी शिक्षित करेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें मतलब हमें अपनी मुख्य सभ्यता से, कोहिनूर सभ्यता से कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि कैसे व्यक्ति पढ़ लिख गया, शहर चला गया और वहाँ जाके अपने समुदाय को, अपनी जाति को भूल गया, वहीं शहर में बस गया, ऐसा सुना होगा। ऐसा क्यों है? उस व्यक्ति की इसमें कोई गलती नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, दोष हमारी शिक्षा नीति की है, जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए कि वो अपनी कोहिनूर समुदाय के प्रति आकर्षित हो। तो इस चीज़ पे भी हमें संघर्ष करना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आज हो रही हैं और हम इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये जो परिवर्तन आज हुआ है ना, शिक्षा नीति जो आई है, ये हमने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जब इसमें एक बड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिलेगा तो सारे लोग उसके पीछे लग जाएं। अभी बदलाव की ज़रूरत थी, अभी हमें करना चाहिए, तो हम ध्यान नहीं दे रहे उस चीज़ पे। तो इसमें आपको नहीं समझ में आएगा आज ये चीज़ कि नई शिक्षा नीति हमारे कितने अगेंस्ट जा रही है, कोहिनूर समुदाय के लिए क्या है उसमें, ये चीज़ बहुत सोचने समझने वाली बात है। तो और एक और चीज़ ये है उसमें कि जब पढ़ लिख के इंसान चला जाता है, कोहिनूर समाज को छोड़ देता है, तो हम उसकी बुराई करने के पीछे पड़ जाते हैं, हम उसका कारण नहीं जानते हैं। कहने का मतलब ये था मेरा इस बात को कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि शिकारी अगर शेर का बारे में लिखेगा तो शिकारी क्या लिखेगा? शिकारी ये लिखेगा कि शिकारी ने शेर का शिकार किया। अब जरा सोचिए, इसी बात को अगर शेर लिखेगा तो कैसे लिखेगा? वो ये लिखेगा कि शेर ने जंगल पर राज किया। तो मेरा कहने का मतलब ये था सिर्फ कि हमें अपना यथा स्वयं लिखना होगा, हमें अपने बारे में स्वयं बताना होगा, और इस स्तर पर लिखना होगा कि हमारी लिखी गई चीज़ें, हमारी लिखी गई पुस्तकें शिक्षा नीति से जोड़ी जाएं, हमारे द्वारा लिखा गया लेख, हमारे द्वारा लिखी गई हमारी कोहिनूर व्यवस्था, हमारी कोहिनूर सभ्यता, हमारी हड़प्पा संस्कृति का इतिहास, सारी चीज़ें जब हमारे द्वारा लिखी जाएंगी तो यकीनन उनके पास सही जानकारी जाएगी, और उनको ये करना होगा, हमारी चीज़ों को शिक्षा नीति से जोड़ना होगा, और जब शिक्षा नीति से हमारी लिखी हुई चीज़ें जुड़ी जाएंगी तो जो व्यक्ति पढ़ लिख के हमसे दूर जा रहा है, जब शिक्षा नीति से जुड़ जाएंगी चीज़ें, और जब हमारा कोहिनूर समाज का कोई व्यक्ति या कोई मातृशक्ति जाती है और उस चीज़ों को पढ़ती है तो वो हमसे दूर नहीं, हमारे कोहिनूर समुदाय के पास आएगी। आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि लड़का पढ़ लिख गया है, अब तो शहर में जाके बस गया है, भूल गया है हम सबको। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारी शिक्षा नीति में ना वर्तमान में भी ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ और पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। हड़प्पा संस्कृति का था तो उसको भी अभी उनने आधा कट करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देने वाली हैं कि जब वो व्यक्ति चला गया और हमारी जो हम लिखेंगे, जो उनके लिए छोड़ के जाएंगे, तो वो व्यक्ति जब अध्ययन करेगा, जब शिक्षा नीति में चीज़ें जुड़ी जाएंगी, तो जो आज छोड़ के जा रहा वो छोड़ के नहीं जाएगा, हमारी संस्कृति के निकट आएगा, समूह से जुड़ेगा। तो ये बदलाव हमें लाना होगा। देखिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं जन्म हुआ है व्यक्ति का तो वो मरेगा भी, लेकिन हमारे द्वारा जो बुक्स लिखी जाएंगी ना, और हमारे द्वारा जो इतिहास लिखा जाएगा गोंडवाना राज्य का, कोहिनूर व्यवस्था का, या कोया पुनेम का, जिस पर भी आप लिखना चाहते हैं लिखा जाएगा, तो वो उस रूप में आप उपस्थित होंगे इस संसार में। हमारी आने वाली जनरेशन, एक जनरेशन में आप रहोगे, दूसरी जनरेशन में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। कौन रहेगा? वो हमारी बुक्स रहेंगी, हमारे द्वारा लिखे गए लेख रहेंगे।
तो हमें ऐसा कुछ करना होगा, हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना है और संघर्ष करना होगा कि हमारी लिखी गई पुस्तकें शिक्षा नीति से जुड़ें, अध्ययन से जुड़ें और बच्चे उनको पढ़ें, ताकि हमारे समाज और हमारी चीज़ों, हम दूसरों की चीज़ों को जान रहे हैं ना, कैसे जान रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में लिखा गया है और हमने पढ़ा है उन चीज़ों को, इसलिए जान रहे हैं। तो हमारे बारे में क्यों नहीं लोग जान रहे, इस बात पर क्यों कोई नहीं सवाल उठाता है? उठाना चाहिए कि हमारे बारे में जाने लोग, ऐसा क्यों है? मुझे तो अपनी स्थिति बहुत दयनीय लगती है कि ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि लोग हमारे, हम अगर कॉस्ट्यूम पहनते हैं, अपना ट्राइबल कल्चर लुक दिखाते हैं, तो लोग पूछते हैं ये क्या पहन लिया, पर हम तो क्रिश्चियन से वो वाइट फ्रॉक पे तो नहीं पूछते कि आपने ये क्या पहन लिया, फिर हमें ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने आप से, और हमें इस बात पर संघर्ष बहुत ज़्यादा करना है, हमें तैयार होना होगा इस बात के लिए कि हमें अपनी नई शिक्षा नीति से, हमें अपनी पुस्तकें, हमारा अध्ययन, हमारी हिस्ट्री, हमारी सभ्यता, सारी चीज़ें जुड़वानी हैं। यही हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एन एजुकेशन गर्ल विल स्टार हेल्दी, सेव मनी, बिल्ड ऑफ बिजनेस एंड इम्प्रूव फॉर कम्युनिटी, इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये कौन देगा? हमें मातृशक्तियों को किसी भी स्तर पर कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये हमारी समाज पता नहीं क्या था और क्या हो गया है। आप, हम जब प्रकृति के अनुसार चलने वाले, हमारी सारी व्यवस्थाएं प्रकृति के अनुसार हैं, फिर ये बदलाव क्यों क्यों ये हम मातृसत्तात्मक से पुरुष सत्तात्मक की ओर बढ़ रहे हैं? इस बात पे भी एक गौर करने वाली बात है। आप ही बताइए कि एक मधुमक्खी का छाता तो सभी ने देखा होगा, उसमें क्यों मधुमक्खी होती है और बाकी सारी वर्कर मधुमक्खी होती हैं? तो क्या उनको एक फीमेल सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं कर रही है वहाँ पे? इन सारी चीज़ों को, चींटी के झुंड को, चींटी के झुंड में भी जो मेन चींटी होती है ना, वो फीमेल होती है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करती है। तो उन सारी प्राकृतिक चीज़ों को देख के ही, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें प्रकृति अनुसार हैं, तो ये भी प्रकृति अनुसार है कि हमारा जो कोयतुर व्यवस्था है वो मातृसत्तात्मक व्यवस्था रही है। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और जो वो कहने को है ना कि क्या लड़के लड़कियों को समान दर्जा देना चाहिए, समान दर्जा देना चाहिए, भाई समान दर्जा सिर्फ दस्तावेज में दिया जा रहा है, सिर्फ बताने को दिया जा रहा है। ज़रा अपनी मानसिकता पर जोर डालिए, क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में लड़कियों को समान दर्जा दिया जा रहा है? वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हैं, क्या वाकई में ऐसा है? अपने आप की, अपनी मानसिकता पर जोर डालिए थोड़ा, और बताइए क्या वाकई में जो बोला जाता है वही है कि लड़का लड़कियों को समान दर्जा दिया जा रहा है, कि सिर्फ कहने की बात है? ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, क्राइम की ओर लोग दिनों दिन बढ़ रहे हैं, अखबार में आए दिन न्यूज आ रहा है, ये हुआ वो हुआ, ये क्यों हो रहा है? अगर वाकई में समानता का अधिकार है तो फिर क्या है ये, फिर ये क्यों हो रहा है? तो समानता का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर होता तो क्राइम नहीं बढ़ता। लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों का शोषण हो रहा है, लड़कियों को काफ़ी हद तक उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इस बात पे भी हमें ध्यान देना है। विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आने से डर रहे हैं, विदेशी लड़कियाँ हमारे यहाँ आने से कतरा रही हैं। क्यों कतरा रही हैं? क्योंकि हमारा जो देश है, हमारी समाज की जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं कहने का कुछ और है और करने का कुछ और है। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। और एक और बात मैं ये बोलूँगी कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि लड़की, मतलब समाज का जो पूरा रिश्तेदार हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, सारी चीज़ों, सारे लोगों का फोकस यही होता है कि लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की को ऐसे बात करना चाहिए, लड़की को ऐसे रहना चाहिए। आप लड़कियों पे इतना फोकस करें, आप लड़कों पे भी फोकस करिए ना। आपको भी, लड़कों को भी बताना चाहिए कि लड़कियों को सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए उनको, लड़कियों को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, लड़कियों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने घर में जो देखा वही किया। हम, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई मातृशक्ति जानबूझ के ये चीज़ दे रही है, कोई भी मातृशक्ति जानबूझ के चीज़ें नहीं, गलत चीज़ें नहीं बताई, लेकिन बस शिक्षा का अभाव है ना उनके पास। जब शिक्षा का अभाव होगा, शिक्षा ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो ऐसा होगा, वो पूरा फोकस उनका अपनी कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरी लड़की के साथ ऐसा ना हो जाए, इस टेंशन में, इस डर में वो अपनी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और लड़कों पर कम ध्यान देते हैं।
लड़कियों को ये बताना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं सिखाइए कि लड़की कमज़ोर है, लड़कों को ये बताइए कि लड़कियों को सम्मान नज़र से देखिए, लड़कियों को ये मत बताइए कि ये नहीं करना वो नहीं करना, बल्कि लड़कों को ये बताइए कि लड़कियों को अपने बराबर का समझ के रखना है उन्हें। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यही हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और मैं आप सबसे बहुत आग्रह और हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि आपने अपना इतिहास नहीं लिखा ना, तो ये जो थोड़ा बहुत हमारा कल्चर आज दिख रहा है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अच्छे अच्छे इतिहास लिखिए, ताकि हम भी संघर्ष करके अपनी पुस्तकों को, अपने इतिहास को शिक्षा नीति से जुड़वा सके। हमारे कोई तुरियोबा जो लायक बन जाते हैं, वो समुदाय को छोड़ के ना जाए, बल्कि समुदाय पास में, वो समुदाय को जोड़ के रखें, ऐसा उनका काम होना चाहिए। लड़कियों को बराबर का दर्जा देना चाहिए उनको। लड़कियों को बराबर दर्जा देने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें बराबर का अधिकार दिलाना चाहिए। लेकिन हमारी कोई तो व्यवस्था में एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो मडविंग होती है, जिसको शादी भी बोलते हैं, जो मडविंग होती है उसमें लड़की बारात का चलन है। तो वो लड़की बारात जो है, वो मात शक्तियाँ होती हैं उनकी बल को दिखाती है, बल के रूप में दिखाया जाता है इसको। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा संकट है हमारे ऊपर, हर चीज़ में संकट है हमारे ऊपर। इसमें भी कई जनजाति वर्ग ऐसे हैं जो अभी बारात लेके जा रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, जबकि कोतूर समुदाय में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही वहाँ पे दहेज लिया जाता है और लड़की बारात ही आती है, क्योंकि उसका एक कारण है। एक तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था को संकेत है ये, मतलब को प्रेजेंट करता है। दूसरा ये कि पैन ठाना को भी संभाल के रखना मातृशक्ति का ही काम है। और जो मातृशक्ति शिक्षित नहीं होगी, ना ही सामाजिक रूप से, ना ही प्रशासनिक रूप से, ना ही अदर रीजन में, तो वो क्या करेगी, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ कैसे करेगी। फिर उसके बाद अगर कुछ होगा तो हम मातृशक्तियों को दोष देते हैं। तो हमें मातृशक्तियों की शिक्षा पे इसलिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को अगर आपको जागरूक करने की, जैसे हम जागरूक कर रहे हैं, मुझे भी किसी ने जागरूक किया है, बहुत सारे लोगों का योगदान है मेरे पर भी। तो हम, मेरे पे इतने सारे लोगों ने काम किया, मैं दो चार लोगों पे काम करूँगी, इस चीज़ की जब हमें ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हमें पहले से ही मातृशक्तियों पे फोकस करेंगे, तब जाके आने वाली जनरेशन जो होगी, हमें उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि वो हमें अपने आइडियाज़ बताएंगी। नहीं, बाकी चीज़ें क्यों, दूसरे समाज के लिए क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आपने कभी विचार किया? हम फोकस करते हैं इसने ये किया, इसने वो किया, भाई उनको छोड़िए, आप ये देखिए आप क्या कर रहे हो, आप अपने समाज के लिए किस, कौन सा काम, ऐसा काम कर रहे हैं जो सराहनीय है, जो आपके समाज के काम आया हो, ऐसा कोई काम कर रहे हो आप? तो इस पर हमें अपनी बात बोलनी चाहिए और रखनी चाहिए। और जो प्रकृति है, उसमें हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं। जब हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो आप सोचिए कि जब जंगल, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जल जंगल जमीन में से किसी एक को चुनिए आप, क्या ये संभव है? अगर कोई चुनता है तो मुझे नहीं लगता कि उसने इस बात पे कोई गहन अध्ययन किया होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है। जल जंगल जमीन में से किसी एक को चुनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन की मूलभूत इकाई हैं, हम किसी एक चीज़ के बिना नहीं रह सकते हैं। और शिक्षा का कैसे यूज करना है इन पर, ये मातृशक्तियों के ऊपर छोड़िए ना आप, कि कैसे हमें जंगल को ज़्यादा बड़ा करना है। आप पुरानी व्यवस्थाओं को अगर पढ़ेंगे ना, अगर हम पढ़ेंगे भी नहीं, हम साइंस का, एग्रीकल्चर का यूज नहीं भी करें, और हम शिक्षा का, जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उनका भी यूज अगर हम करते हैं, तो हम अपने जंगल को दुगनी तरक्की से ग्रोथ करा सकते हैं, फैला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से चीज़ें, सारी चीज़ें थी, पर हमारा इतिहास लिखा नहीं गया ना, इसलिए हमारी सारी चीज़ें दूसरों ने अपने नाम से लिख ली हैं। इस पर तो आप थोड़ा विचार करिए कि हमारी चीज़ें दूसरे प्रेजेंट कर रहे हैं अपना नाम दे के, तो ये कहाँ तक सही है? तो उस चीज़ पे ध्यान देना है, हमें अपना इतिहास खुद लिखना है, और इस स्तर पर लिखना है कि हमारी पुस्तकें, हमारी चीज़ें, हमारा आर्टिकल, हमारी एक एक बात, हमारी एक एक व्यवस्था, हमारी हड़प्पा संस्कृति की व्यवस्था पुस्तकों में आए और अध्ययन में शामिल हो। इस बात पे हमें ध्यान देना है, हमें अपने प्रकृति को सेव करके रखना है, प्रकृति के ऊपर काम करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें मातृशक्तियों को आगे लाना है,
क्योंकि मात शक्तियों को आगे इसलिए लाना है क्योंकि घर पे तो वो रह रही है ना, पहले आप तो बाहर जा रहे हो, जो पुरुष है वो तो बाहर जाता है, घर पे मात शक्तियां होती हैं। और जब मात शक्तियां सब जीवन की सबसे पहली गुरु होती है मात शक्ति, जब मात शक्ति ही के पास ही जानकारी का अभाव होगा तो क्या वो ज्ञान देगी अपने बच्चे को। तो इन सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। मैं यहाँ पे बात करने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी बात आपने भी विचार किए होंगे। और मैं GSU की तरफ से आई हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा GSU के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। मैं जो भी बोलूँगी ये उसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालिए कि मैं आपसे ये बोल रही कि आप GSU ज्वाइन करिए, GSU से जुड़िए, ये नहीं। ये तो आपकी समझदारी है या फिर आपकी आप क्या सोचते हो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप GSU को समझिए, GSU को जानिए, GSU के बारे में अपना ओपिनियन रखिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। GSU का मैं यही GSU से जब से मैं जुड़ी हूँ मैंने जो जाना है मैं वही बताऊँगी आपको GSU के बारे में। GSU एक गैर राजनीतिक संस्था है जो मतलब छात्रों के हित में छात्रों के साथ काम कर रही, एक ऐसा यूनियन है जिसमें अधिकतर संख्या में स्टूडेंट हैं और जो छात्र हित के साथ संस्कृति को लेके, अपनी समाज को लेके, अपने कल्चर को लेके, कोई अपनयन को लेके और शिक्षा को लेके भी काफ़ी काम कर रहा है और बहुत सारे राज्यों में फैल भी चुका है ये, बहुत सारे राज्यों में GSU का संगठन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, और मैं आगे भी ये चाहूँ कि GSU जो है इंडिया में फैले, सारी जगह फैले, सारी जगह पर इसका गठन हो, क्योंकि GSU एक ऐसा, मैं GSU को हमेशा एक फैक्ट्री के रूप में देखा है मैंने। कि जब मैं शुरू में GSU में आई तो मैं ब्लैंक थी, एक कोरा कागज़ थी। जब मैं GSU से जुड़ी तो धीरे धीरे उसमें रंग भरना स्टार्ट हुए, एक वाइट कागज़ कब रंगीन हो गया मुझे ही पता नहीं चला। मैं खुद ही कभी अपने बारे में एनालाइज करती हूँ तो पाती हूँ कि ये वाइट कागज़ कब रंगीन हो गया समझ में ही नहीं आया मुझे। तो आप GSU की, और GSU की सबसे खास सबसे बड़ी बात ये है कि GSU की जो नियमावली है, GSU उस नियमावली के विरुद्ध कभी नहीं जाती, वो अपनी नियमावली के अनुसार ही काम करती है। और जो व्यक्ति GSU से जुड़ा है, GSU का यही रहता है, उनका यही सहयोग रहता है कि जो भी व्यक्ति जुड़ा, जो कोई व्यापार रोजगार करना चाहता है या फिर कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और या फिर कोई भी कृषि भी अगर करना चाह रहा है व्यक्ति GSU में है और वो GSU से कोई मदद लेता है तो GSU उसे वो मदद देता है। क्योंकि मैं खुद ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे GSU से जुड़े हुए और आप देख सकते हैं मुझे खुद ही कि मैं इतना मतलब मैंने जाना है GSU को कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि GSU ने मुझे रंगीन कर दिया है वाइट पेज से, इससे बड़ी बात और शब्द नहीं है मेरे पास GSU के लिए। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है और यही मेरी विनती है कि आप GSU को जानिए, GSU को समझिए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि हमारा तो उद्देश्य यही है कि GSU अभी बहुत से राज्यों में गठन हो चुका है GSU का, आगे चल के और राज्यों में GSU का गठन हो ताकि युवा वर्ग सामने आए। क्यों युवा वर्ग सामने आएगा तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। क्योंकि जब मैं नहीं जानती थी अपनी संस्कृति के बारे में तो मैं कुछ नहीं सोचती थी, मुझे लगता था ना बात हो रही है, नॉर्मली बात हो रही है। पर जब मैंने जाना तो मुझे बहुत अपने आप में ही दया आती है कि हमें कितना काम करना है, किन चीज़ों पे हमें काम करना है। तो हम इतने सारे संगठन हैं, सारे संगठन का एक ही उद्देश्य है, तो सारे संगठन एक होके एक ही चीज़ पे काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमें तो अपने कल्चर को, अपने व्यवस्था को बचाना है, हमारा यही लक्ष्य है और GSU का भी यही लक्ष्य है। लेकिन अगर कोई युवा वर्ग कुछ करना चाहता है तो GSU उसको वो भी प्रदान करेगी, उसको वो भी जानकारी और मार्गदर्शन GSU से देगा। GSU में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सहयोग से आज मैं आप सभी के सामने हूँ, संबल दादा, RD सर और प्रेमलता दीदी और ऐसे बहुत सारे GSU परिवार है हमारा, फनीस खुसरे जी और मेरे पापा जी,
मेरे पापा जी भी बहुत बड़ा योगदान है, मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, तो ये सब उनकी बदौलत कि मैं आप सभी के सामने हूँ। तो मैं यही कहूँगी, और मेरा जीएसयू की तरफ से गौड़वाना दर्शन के लिए भी मैं कुछ बोलना चाहूँगी। वो ये कि जो गौड़वाना दर्शन पत्रिका है उसके लिए हमें ये कि अभी जो प्लेटफॉर्म तो हमें मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन ये हमारी बहुत पुरानी मासिक पत्रिका है गौड़वाना दर्शन, और जो इसके संस्थापक थे सुरेंद्र सिंह ताराम जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो उन्होंने ये पत्रिका निकाली थी। तो हमारा ये, मैं जीएसयू की तरफ से ये बोलूँगी गौड़वाना दर्शन को और सभी को कि ये जो हम गौड़वाना दर्शन पत्रिका के लिए जो भी सहयोग करना कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, हमें उसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी पत्रिका है और हम अपने अच्छे अच्छे लेख लिख के भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं गौड़वाना दर्शन पत्रिका को। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गौड़वाना दर्शन के लिए अगर हम गौड़वाना युवा सामने नहीं आएंगे तो मुझे नहीं, मतलब हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, हम ही को आना है ना, और हमारे सपोर्ट से ही बहुत जल्द गौड़वाना दर्शन पत्रिका, मैं आशा करती हूँ कि वो प्रिंट आउट के रूप में सामने आए, मासिक पत्रिका के रूप में आए, और फिर से एक बार पुनः जीवित होकर हमारे समक्ष हो। और मैं उषा, हमारी मातृशक्ति जो उषा किरण आत्राम जी हैं, जो कि उनकी सुमेर सिंह दाराम जी की वाइफ हैं, उनके जज्बे को सलाम करती हूँ मैं कि उन्होंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रखा और सारी चीज़ें हम युवाओं को मौका दिया उन्होंने कि वो ये अपनी मासिक पत्रिका को अभी जैसे भी जिस भी तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं, उन वो उस तरीके से गौड़वाना दर्शन पत्रिका को प्रेजेंट कर रही हैं। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी, और हम दर्शन पत्रिका के लिए जो भी कर सकते हैं, लेख लिख के कर सकते हो, या फिर आप आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हो, या बौद्धिक रूप से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे द्वारा लिखी गई चीज़ें हमारे लोगों की बहुत काम आने वाली हैं भविष्य में। हम रहे ना रहे पर हमारे लिखे लेख जरूर रहेंगे, इस बात की मुझे, मैं लिखती हूँ तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ पर कभी सामने नहीं आई, टॉपिक दूसरे हुआ करते थे, पर आज जब मैं समाज से जुड़ी हूँ तो मैंने समाज की व्यवस्थाओं के बारे में जाना और उसके लिए लिख रही हूँ। तो मुझे यही लगता है कि यही वो चीज़ है जो मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगी। तो लिखने के लिए अगर आपको कोई अच्छा सा मोटिवेशन चाहिए ना, तो इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता कि आप अपनी चीज़ों को, कोई भी चीज़ अगर आपके नाम से होगी यहाँ पे आपके जाने के बाद, आप उसमें ज़िंदा रहोगे, तो आप प्लीज़ अपनी संस्कृति और इतिहास को जानकारी के रूप में ज़रूर लिखिएगा, ताकि वो हमारी युवा पीढ़ी जो है उसको भविष्य में वो काम आ पाए, और हमारी जो लिखी गई पुस्तकें हैं, हमारे लिखे गए जो इतिहास है, वो शिक्षा नीति में जोड़े जाएं। इस स्तर का लिखना पड़ेगा हमें, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए हमने, इस स्तर का लिखना चाहिए कि सरकार को हमारी बात माननी पड़े और वो शिक्षा नीति में हमारी बुक्स को अध्ययन के रूप में शामिल करें। ये बहुत संघर्ष वाली बात है, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर अगर हम और आप दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो ज़रूर ये संभव है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ संभव है अगर हमने सोच लिया, और मैंने तो सोच लिया है, अब कोई मेरा साथ हो या ना हो, पर मैं अकेले ही निकल पड़ूंगी अपनी राह पे, लेकिन एक दिन हम अपनी कोई तो व्यवस्था को आप सभी के सामने जरूर लेके आएंगे। और गौड़वाना दर्शन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप सभी के सहयोग से मैंने अपनी बात रखी, सारी संस्थापक मंडल जो है गौड़वाना दर्शन का, वीके बर्डे सर जी और कमलेश दाऊ जी और समस्त लोग, जितने भी लोग हैं, सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और बहुत जल्द आशा करती हूँ, बहुत जल्द गौड़वाना दर्शन जो पत्रिका हमारे हाथ में हार्ड कॉपी के रूप में आएगी, और फिर से हम अपनी मासिक पत्रिका को पढ़ सकेंगे। और अंत में मैं अपनी कविता बोलने वाली हूँ, जो कि इस प्रकार है, जिसका शीर्षक है, हम शिक्षा ही सिंगार है, शिक्षा ही सिंगार है, कोहितुर भारत के नवयुग में, कोहितुर भारत के नवयुग में शिक्षा ही सार है, कोहितुर भारत के नवयुग में शिक्षा ही सार है, उठा लीजिए पुस्तकों को, उठा लीजिए पुस्तकों को, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है।
कोयतूर भारत का भविष्य हम, कोयतूर भारत का भविष्य हम, कोयतूर भारत का भविष्य हम युवा शक्ति की ललकार हैं, कोयतूर भारत का भविष्य हम युवा शक्ति की ललकार हैं, रहेंगे ऊर्जित सही राह पर, रहेंगे ऊर्जित सही राह पर, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है। अक्सर लोग सोचते हैं बाहरी गहने ही अपार हैं, अक्सर लोग सोचते हैं बाहरी गहने ही अपार हैं, ये सब माटी मोल हैं, ये सब माटी मोल हैं, बल्कि शिक्षा ही सिंगार है, बल्कि शिक्षा ही सिंगार है। मानव मानवता भूल मानव की सोच, मानवता भूल मानव की सोच केवल धन संपत्ति कार है, मानव भूल मानव की सोच केवल धन संपत्ति कार है। घमंड मत कीजिए इन सब पर, घमंड मत कीजिए इन सब पर, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है। बाबा साहब कह गए शिक्षा से, बाबा साहब कह गए शिक्षा से, बाबा साहब कह गए शिक्षा से, मानव कल्याण अपार है, मानव कल्याण अपार है, मानव सेवा की दुआओं में से होता है, मानव सेवा की दुआओं से होता है, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है। निजीकरण की इस दुनिया में, निजीकरण की इस दुनिया में शिक्षा का भारी व्यापार है, निजीकरण की इस दुनिया में शिक्षा का भारी व्यापार है। बदनाम मत कीजिए शिक्षा को, बदनाम मत कीजिए शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है। चाहे तो बुरा चाहे तो अच्छा, चाहे तो बुरा चाहे तो अच्छा, शिक्षा दो धारी तलवार है, चाहे तो अच्छा चाहे तो बुरा, शिक्षा दो धारी तलवार है। मानव जन कल्याण में उपयोग करे तो शिक्षा ही सिंगार है, मानव जन कल्याण में उपयोग करे तो शिक्षा ही सिंगार है। भौतिकवादी दुनिया की नदी में, भौतिकवादी दुनिया की नदी में युवा, भौतिकवादी दुनिया की नदी में लालच बुराइयों की धार है, भौतिकवादी दुनिया की नदी में लालच लालच बुराइयों की धार है। दिखा सकती है नई दिशा मानव को, दिखा सकती है नई दिशा मानव को, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है। देश की शिक्षा नीति में, देश की शिक्षा नीति में युवा झेल रहा गरीबी की मार है, देश की शिक्षा नीति में युवा झेल रहा गरीबी की मार है। सच्ची शिक्षा अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सच्ची शिक्षा अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है। वैश्विक भागदौड़ की दुनिया में, वैश्विक भागदौड़ की दुनिया में इस देश में युवा बेरोजगार है, इस देश की वैश्विक भागदौड़ की दुनिया में इस देश में युवा बेरोजगार है। सुधारना होगा इस व्यवस्था को, सुधारना होगा इस व्यवस्था को, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है। और इसके पश्चात मैं बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन बोलने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। बंद करो यह निजीकरण शिक्षा का, बंद करो यह निजीकरण शिक्षा का, इस पर तो सबका अधिकार है। बंद करो यह निजीकरण शिक्षा का, यह तो सबका अधिकार है। तब जाकर जन कल्याण होगा, तब जाकर जन कल्याण होगा, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है, क्योंकि शिक्षा ही सिंगार है। इसके बाद मैं जीएसयू के स्लोगन है वो आप लोगों को बोलना चाहूँगी। बी आर इंडिजीनस बी आर जीएसयू। मैं अब ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोग मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और जो भी मेरे से गलतियाँ हुई होंगी आप प्लीज़ उनको मुझे बताइएगा, मैं उनमें सुधार करूँगी। सेवा 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 जोहार।